वेलकम टू माय चैनल क्लिफ्टन स्टूडियो। आज की इस वीडियो में हम अपने व्यूवर्स के लिए FCKPE की जॉब्स की अपडेट लेके आए हैं। अगर आप लोग इन जॉब्स के बारे में तमाम डिटेल जानना चाहते हैं तो वीडियो को आप लोगों ने एंड तक देखना है, वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना। आज की इस वीडियो में हम आप लोग साथ कंप्लीट डिटेल शेयर करने वाले हैं कि FCKPE में कौन सी असामियां अनाउंस की गई हैं और उन असामियों पे अप्लाई करने का क्या तरीकाकार है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नई जॉब की मालूमात आप लोगों को आसानी मिल सके। केपीके में जो FC की जॉब्स अनाउंस हुई हैं उन जॉब्स पे अप्लाई करने के लिए जो मतलूबा क्वालिफिकेशन है वो मैट्रिक है और इन असामियों पे अप्लाई करने की जो डेट है, डेडलाइन है, वो 20 मार्च से लेकर 5 अप्रैल तक है। और इन असामियों पे पूरे पाकिस्तान से जो है मेल कैंडिडेट्स, मर्द हजरात जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें जो असामी अनाउंस की गई है वो सोल्जर की है। एज ए सिपाही आप लोग सुबह खैबर पख्तूनख्वा की FC जो है फोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो एज ए सोल्जर, सिपाही के तौर पर, बतौर सिपाही आप लोग इसमें शमूलियत अख्तियार करें। और इस असामी पे अप्लाई करने की जो एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं, जो रिक्वायरमेंट क्राइटेरिया है, आपके पास जो है मैट्रिक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। लेकिन अगर आपके पास मैट्रिक से ज्यादा क्वालिफिकेशन है लाइक इंटरमीडिएट, बेचलर या मास्टर, तो देन भी आप लोग जो अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट के वक्त आप लोग अपने तमाम एजुकेशन डॉक्यूमेंट एंड अदर डॉक्यूमेंट्स की जो है ओरिजिनल भी साथ लेके जानी है, कॉपीज और उसकी फोटो कॉपीज भी आप लोगों ने साथ लेके जानी है। और अप्लाई करने के लिए जो उम्र की हद है वो कम से कम उम्र जो है वो 18 साल होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा जो है वो 26 साल होनी चाहिए। और इसमें जो हाइट है वो 5 फीट 6 इंच की रिक्वायरमेंट है। चेस्ट आपकी 31 से 33 होनी चाहिए। आई साइट जो है आपका 6x6 होना चाहिए। और इसके अलावा जो आपका फिजिकल टेस्ट होगा उसमें आपकी रनिंग होगी 1 मील की, उसके बाद आपको मेडिकल टेस्ट होगा, देन रिटन टेस्ट होगा और रिटन टेस्ट के बाद आप लोगों की फाइनल सिलेक्शन होगी। और इसमें जो आप लोगों को मंथली सैलरी दी जाएगी वो 35,000 है। और ये असामियां फिलहाल 15 साल के कॉन्ट्रैक्ट बेस पे अनाउंस हुई है, लेकिन 5 साल के बाद आप लोगों को 8 लाख दिया जाएगा, ठीक है। और 10 साल के कॉन्ट्रैक्ट के बाद आप लोगों को 18 लाख मिलेगा, लेकिन अगर आप 15 साल पूरे अपने कॉन्ट्रैक्ट करते हैं देन आप लोगों को 32 लाख जो है वो जो है साथ बोनस एज ए पेंशन दिया जाएगा, ठीक है। तो इसके अलावा आप लोगों को मेडिकल, फूड, यूनिफॉर्म और रहने की फैसिलिटीज भी साथ प्रोवाइड की जाएंगी। और अप्लाई करने के लिए जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है वो आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स पास होने चाहिए, 4 रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होने चाहिए, ओरिजिनल CNIC आपको डोमिसाइल होना चाहिए और पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए, ठीक है। ये रिक्वायरमेंट के बाद इसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो सेंटर पे होनी है, कोई ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना, आप लोगों ने खुद जाना है इसके रजिस्टर होने के लिए, अपनी जो है रिक्वायरमेंट पे अप्लाई करने के लिए आप लोगों को खुद जाना होगा। लेकिन वो लोग जो इन असामियों पे अप्लाई करने के लिए इन एलिजिबल हैं, वो लोग जो कि गवर्नमेंट सर्विस से डिस्चार्ज हो चुके हैं या कन्विक्टेड बाय एनी कोर्ट, अनफिट फ्रॉम एनी रिक्वायरमेंट सेंटर, या नेम्स और एज मिस्टेक इन एजुकेशनल सर्टिफिकेट और CNIC, ठीक है। और इसका जो प्रोसीजर है अप्लाई का करना अपने ये है कि 20 मार्च से लेकर 5 अप्रैल के दरमियान आप किसी भी दिन जो है डेरा इस्माइल खान कैंट पे जो है तशरीफ ले जाए अपने तमाम डॉक्यूमेंट के हमरा। और जाना आप लोगों ने ऑफिस टाइमिंग के दौरान है जो कि 8 बजे से लेकर 1 बजे तक होगी, तो आप लोग खुद वहां जो है डेरा इस्माइल खान कैंट के एड्रेस पे आप लोगों ने जाना है, ठीक है। और ये हेडक्वार्टर फ्रंटियर कोर्स सुबह खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से जारी किया गया एडवर्टाइजमेंट है। वैसे तो हम तमाम डिटेल आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग रह गई हो तो आप लोग जो है यहाँ से देख सकते हैं। ये एडवर्टाइजमेंट हमने साथ शेयर की हुई है ताकि आप लोगों को कोई भी किस्म की मुश्किल ना हो। एंड आई होप कि आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। अगर आप लोग इन असामियों पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं तो लाजमी अप्लाई करें। शुक्रिया।